बस ऐसे परोठे लगा रहे हैं एंड ये चेक करें भाई सब, अभी ये अभी अभी बनी लगती है मुझे, सेम निकाल रहे हो। तो घर की थाली है जी, नॉर्मल तरीके से जो फूड बना हुआ है इनका। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आ चुके हैं लुधियाना में भाई साहब। पीछे जो आप कार चेक कर रहे हैं, यहाँ पर कपल है जो कि वर्किंग कपल है, हार्ड वर्किंग कपल है जो कि काम कर रहे हैं। बाकी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में आपने दो चीज़ें करनी है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है एंड लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, वीडियो को वायरल करना है। आपको पूरी जिम्मेवारी दे रहा हूँ वीडियो को वायरल करने के लिए। तो यहाँ पर जी हमें आंटी जी मिले। आंटी जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आंटी जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रानी कौर। आंटी जी आपके पास यहाँ पर क्या क्या होता है जी? मेरे को बच्चे आलू गोभी के परांठे होते हैं, अभी 8 बजे आ जाने। हाँ जी, सुबह 8 बजे आ जाने। सुबह 8 बजे आते होते हैं। ठीक है, कड़ी चावल भी। तो ये क्या लगा रहे हो अभी आंटी जी? बच्चे परोठे बना रही है। परोठे लगा रहे हो? हाँ जी। ठीक है, तवे वाले परोठे रहते हैं आपके पास? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ये चेक करिए भाई साहब, आज हम थे लुधियाना में, यहाँ पर आंटी जी मिले हैं जो कि सेटअप लगाया हुआ है जिन्होंने, जहाँ पर इनके पास परोठे मिलते हैं एंड कढ़ी चावल रहते हैं, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी रहती है। सब्जी कौन सी रहती है? सब्जी रोज चेंज होती है बेटा, कढ़ी तो रोज ही होती है, कढ़ी तो दाल रोज होती है। हाँ जी। सब्जी रोज चेंज होती है। सब्जी हर रोज चेंज होती है? हर रोज चेंज होती है। ठीक है, आज क्या बना हुआ है आंटी जी? आज जैसे बनाइए दाल। दाल जी? हाँ जी। ये देखो भाई साहब, ये आ गई जी दाल। दाल कौन सी आंटी? ये हरी मूंगी। हरी मूंगी? हाँ जी। दाल भी रोज चेंज होती है। ओके जी। तो देखिए जी, यहाँ पर दाल बनी है एंड आंटी जी साइड बाय साइड परोठे लगा रहे हैं एंड ये चेक करें भाई साहब, अभी ये अभी अभी बनी लगती है मुझे, सेम निकाल रहे हो। हाँ जी हाँ जी। गर्म रखी थी ना वो करके। ओके, इसमें क्या है जी? ये सर कढ़ी चावल, चावल ने, चावल ने जी, चावल। ये जीरा राइस है, चेक करिए। ओके, ये सब्जी है। तो भाई साहब ये चेक करिए, ये आगे जी सब्जी गोभी की सब्जी है एंड प्रॉपर पूरा जैसे घर में बनता है ना ये सामान वैसा बना है। ये आगे जी कढ़ी पकौड़ा। भाई साहब कढ़ी चेक करिए, पकोड़े चेक करिए, कितने बड़े बड़े पकोड़े हैं एंड आंटी मिक्स पकोड़े हैं, मिक्स वेज के? नहीं मिक्स वेज के नहीं, जीरे जीरे के पकोड़े ने। ओके, जीरा बेसन। हाँ जी जीरा बेसन, नमक वाले। हाँ जी ठीक है। तो आंटी अभी आप हमारे लिए क्या लगाओगे? आप जो खाओगे आप बताओ, आप क्या लगाओगे? आपका जो आप खाओगे, थाली खाना चाहते हो रोटी की वो लगा दूंगी, राइस खाने है तो वो, परौंठे खाने तो परौंठे लगा दो। थाली में क्या क्या होता है आंटी? थाली च बेटे जे कोई फुल थाली लंदे। हाँ जी। तो उन्हें जैसी राइस भी पा देने हैं। हाँ जी। नहीं तो चार फुलके दो सब्जी। ठीक है, तो एक थाली लगा लीजिए हमारे लिए। ठीक है। एंड आंटी जी आपको ये वाला लाइक काम करते हो कितना समय हो गया? मैंने बेटे अगस्त से शुरू किया था। ओके, जो पिछली अगस्त से आपने शुरू किया था? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अगस्त तो शुरू किया था। ओके, बस फैमिली का प्यार ही इतने बहुत ज्यादा मिले है। हाँ जी। ठीक है, चाह भी होती है साढ़े को, कोई दुध पत्ती पींदा वो भी बना देने। ओके, कॉफी भी बना देने। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो पूरा लाइक पर ये भी बना के नहीं रखते, जो कोई कहता असं उदो ही एक कप पीना हो, किसी ने फिक्की पीनी हो नाल दी नाल बना के। ओके, तो यहाँ पर जी अंकल जी हमारी थाली लगा रहे हैं। अंकल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, की हाल है जी? अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा प्रीतम सिंह है जी। प्रीतम सिंह। ठीक है, तो अंकल जी आप भी आंटी जी से, जब से आंटी जी ने स्टार्ट किया तब से काम कर रहे हो यहाँ पर? हाँ जी हाँ, साथ में काम कर रहे हैं। ओके। हाँ जी, आप इससे पहले क्या करते थे अंकल जी? मैं सर दुबई में था। दुबई में थे? हाँ, दुबई में ऑपरेटर था। ओके, किस चीज़ के ऑपरेटर थे सर? मैं क्रेन ऑपरेटर था जी, लोडिंग क्रेन। ठीक है जी, तो ये देखिए यहाँ पर हमारी थाली लग रही है एंड ये आ गया जी कढ़ी पकौड़ा, ये अभी रात सर आ गई जी इनकी जो सब्जी आ गई है जी, गोभी की सब्जी है ये। अंकल जी आप यहाँ पर आंटी जी जैसे कह रहे हैं 8 बजे आ जाते हैं? हाँ, सुबह 8 बजे आ जाते हैं। ओके, सुबह 8 बजे तो लेके शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक? शाम 5 बजे तक रहते हैं। ये चेक करिए यहाँ पर हमारी थाली लग चुकी है जी, थाली के अंदर चपाती आ गई, राइस आ गए, सब्जी आ गई है एंड दाल आ गई है, कढ़ी पकौड़ा आ गया जी। एंड अंकल जी ये जो थाली है इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है जी 60 रुपये। 60 रुपये? सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये? हाँ, दो चपाती, थोड़े चावल। हाँ जी, 60 रुपये की है। हाँ जी, और चार रोटी लेनी है, चावल नहीं लेने तो भी 60 रुपये की। ओके, चार रोटी भी लेनी है? कैसे कह रहे हो, चार रोटी? चार रोटी लोगे? हाँ जी। चावल नहीं लोगे? ओके, तो भी 60 रुपये की। ठीक है जी। हाँ जी, दो चपाती और चावल है और 60 रुपये। ओके, ये चेक करिए 60 रुपये की थाली है जी।
बाकी अभी इसको ट्राई करते हैं। तो भाई साहब ये चेक करिए, ये हमारी जो थाली हो गई है रेडी, जो अंकल आंटी ने दोनों ने मिलके जी हमें लगवा के दिखाई है। ये 60 रुपये की थाली है जिसके अंदर हमें कड़ी मिली है, दाल मिली है एंड आलू जो गोभी की सब्ज़ी है एंड राइस एंड दो चपाती हैं। अंकल जी ने कहा अगर आप राइस नहीं लेते हो तो आपको 4 चपाती मिलेगी, उसका प्राइस भी 60 रुपीज़ ही है ओनली। बाकी ना आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो घर की थाली है जी, नॉर्मल तरीके से जो फूड बना हुआ है इनका। सबसे पहले हम जो दाल है जी इनकी, दाल ट्राई करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दाल से। भाई साहब दाल ना पूरी जैसे घर में बनती है ना, सिंपलिसिटी में पूरी सिंपल तरीके से, टेस्ट ना पूरा बढ़िया है एंड पूरा देसी तरीके से खा रहे हैं। खंबे के ऊपर बैठे हुए हैं, पूरे देसी तरीके से बैठे हुए हैं। आंटी के पास ना, आंटी अंकल के पास जितने भी लोग आ रहे हैं, जहाँ ऑफिस हैं, यहाँ पर बैक साइड पे ऑफिस हैं, ऑफिस के लोग आ रहे हैं, कोई कह रहा है चाय बना दो, कोई कह रहा है परौंठे बना दो, आंटी के पास परौंठे भी रहते हैं, परौंठे आलू गोभी, ठीक है। बाकी आंटी की जो कढ़ी है, कढ़ी ट्राई करते हैं। तो भाई साहब कढ़ी को चावल के साथ ट्राई करते हैं। चावल इनके पास जो थे जीरा राइस थे, कढ़ी ना भाई बहुत ही बढ़िया है, सिंपल। यार इनके पास आओगे ना आपको ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगेगी देखने को। इनके पास जो भी सब्ज़ी है ना, अभी तक मैंने दो चीज़ें ट्राई की, इनकी दाल और कढ़ी, दोनों का टेस्ट जो आ रहा है घर वाला टेस्ट आ रहा है, सिंपल पूरा जी बढ़िया है। बाकी इनकी जो आलू गोभी है वो ट्राई करते हैं। भाई साहब मैं यही कहूँगा, अगर आप सिंपल खाना खाना चाहते हो ना तो लुधियाना में आओ भाई साहब। यहाँ पर जो अंकल आंटी है ना, पूरा सिंपल खाना बनाते हैं। अंकल दुबई से आकर यहाँ पर खाना लगा रहे हैं आंटी के साथ, पूरे हार्ड वर्किंग जो ये कपल हैं, इनके पास ज़रूर आओ। एंड इनका जो घर वाला पूरा होम लाइक टेस्ट भी लाइक होम है, जो फूड है वो ट्राई करो। बाकी जो लोकेशन है अंकल आंटी से पूछ के आपको बताते। तो आंटी जी मैंने ना आपकी जो थाली है वो ट्राई की, थाली का ना टेस्ट बहुत बढ़िया लगा, जैसे मैं घर में लाइक खाते हैं नॉर्मल चीज़ें वैसा ही टेस्ट था। आंटी जी एक बारी लाइक हमारे यहाँ व्यूअर्स ने आना हो उनको एक बारी लोकेशन बता दीजिए, कहाँ पर आप खड़ते हो? लोकेशन है बी आर नगर का जो थाना है ना। हाँ जी, उसके सामने है। ओके, बी आर एस नगर ये सामने चेक करिए, ये बी आर एस नगर का थाना है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मार्केट में अंकल आंटी खड़ते हैं जी। अंकल आंटी के पास आओ एंड आप यहाँ पर 8 बजे से लेके 5 बजे तक, हाँ जी, सुबह 8 बजे से लेके यहाँ शाम को 5 बजे तक यहाँ अंकल आंटी करते हैं। तो यहाँ पर आइए, अंकल आंटी को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो आज की वीडियो में आपने यार इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो आपने करना ही करना है। आपको ना ये साइड पे ना, साइड पे एक क्यूआर शो होगा, वीडियो को पॉज करके क्यूआर को स्कैन करके आपने गूगल पे से कोई भी 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जितने आप दे सकते हो, जितनी आपकी पॉकेट में है, जितनी आप पॉकेट फ्रेंडली हो आप दे सकते हो। आंटी जी का जो बेटा है जी, उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, आंटी जी ने अपनी किडनी, एक किडनी आंटी जी ने अपनी अपने बेटे की जान बचाने के लिए दी है। बाकी आपको क्यूआर शो होगा, क्यूआर को यार स्कैन करके 5 रुपये, 10 रुपये जरूर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप लाइक आप अगर डोनेट नहीं कर सकते, आप डोनेट नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को शेयर करने से ये होगा, आंटी अंकल के पास जो लोग आएंगे तो इनडायरेक्टली उन आपकी हेल्प गिनी जाएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर